नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि मैं हूँ गांव में, देखिए गांव का नज़ारा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरा आज के दिन का चर्चा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा गांव में किस प्रकार से रहते हैं लोग, ये सब कुछ बताऊँगा। तो कंटिन्यू करते इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों अभी है घर में और जा रहे हैं भूसा लेने गेहूँ का। तो देखिए अब ये दिखाते हैं आपको, ये हमारे घर का रास्ता। ये लकड़ी उकड़ी रखी हुई है और इधर है गाड़ा। तो अभी इसको बनाएंगे फिर चलेंगे। देखिए ये जैसे, ये अभी टूटा उटा है। तो फटाफट चाय। तो ये गाड़ा को तैयार कर लिए हैं, अब जाएंगे बैल लाएंगे, फिर इसके बाद करेंगे। जा बैल लेके आओ, तो फिर चलेंगे अभी भूसा लेने, फिर वहाँ भी बताते हैं, दिखाएंगे कितना है, कितना टाइम लगने वाला है। चलते हैं, देखिए हमारा गाड़ा स्टार्ट, अब जाएंगे भूसा लेने। ये गाड़ा नहीं, ये ट्रेन जैसे भागते हैं, देखना है आपने। तो दोस्तों हमारे घर के जस्ट बगल में देखिए जंगल है। ये देखो, आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हमारे जस्ट घर के बगल में जंगल है। ये देखिए आ रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर भूसा लेने। अपने इधर ये इसका ट्रैक्टर का काम करते हैं बैल। ये देखिए रास्ता है। तो फाइनली हम देखिए पहुंच गए हैं भूसा लेने, और इतना बड़ा है कूढ़ा, जिसे कहते हैं अपने भाषा में, इसको पूरा लेके जाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि एक गाड़ा फुल होने ही वाला है, कि कुछ ही टाइम में हो जाएगा। देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए भूसा, नहीं चाहा नहीं थे मैं। फाइनली दोस्तों देखो लोड हो गया है, अब जा रहे हैं घर की ओर। वहां से ला के यहाँ भूसा रखा जा रहा है, देखो इतना आ गया। दोस्तों ये है दूसरी बार भी हम फुल कर लिए गाड़ा को, अब जाएंगे घर। तो ये देख लीजिए कितना भयानक फुल है एकदम, और इसको बैल खींच के ले जाएंगे घर तक। क्योंकि अभी हमारे इधर ट्रैक्टर है ना, जो जाने के लिए स्थान नहीं बना है, इसलिए ट्रैक्टर से नहीं ढो रहे हैं हम लोग, गाड़ा से ही काम कर रहे हीरो। तो ये देखो दूसरी बार आ गए इतना लेके, ये भूसा डायरेक्ट गाड़ा यहाँ, यहाँ से अंदर। ऐसा हाल है। तो फाइनली दोस्तों अभी आधा गया है भूसा, आधा अभी बाकी है। ये देखो ये सब लगा है। बताओ कलेक्टर साहब कितना गया भूसा? दो गाड़ा गया है, अभी दो गाड़ा और जाएगा। अभी दो गाड़ा जाएगा। धूप बहुत ज्यादा हो गया, टाइम बज गए हैं 12। ये देखो ये लगा हुआ है बेचारा। तो कड़ाके की धूप बहुत ज्यादा लग रहा है।
इधर देखो लगे हैं सब लेबर लोग, हम भी लगे हैं। अभी चूल्हे को दिखाते हैं, ये देखो मज़ा आ रहा है उसको काम करने में। तो फाइनली दोस्तों घर आ गए हैं और नहा लिए, अब फ्रेश हो गए हैं। अभी देखिए मोबाइल चार्ज में लगा रहे हैं क्योंकि लाइट हमारे यहाँ ऑल टाइम रहता नहीं है, इसलिए अभी मोबाइल चार्ज में लगा लेंगे। फिर कुछ टाइम से जाएंगे खेलने तो आपको दिखाएंगे कि हम किस ग्राउंड में जाते हैं। आप अगर पिछला वीडियो देखा ही होगा तो आपको पता चल गया हो, लेकिन अभी खाना पीना खा लेंगे और आराम से सोएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, भूसा लेने गए थे। तो अभी जाएंगे कुछ टाइम से कहीं तो फिर दिखाते हैं आपको। लेकिन देखिए इधर ये चार्जिंग का स्थान बनाया है हमने जुगाड़ करके, एक यहाँ पे बोर्ड लगा है और ये एक ये। तो फाइनली दोस्तों बच गए हैं चार और अब हम सो के उठ गए थे, दोपहर बहुत ज़्यादा थके थे तो सो गए थे, तो अब सो के उठे हैं, अब चल रहे हैं। टाइम हो गया 4 बज गए हैं तो अब चल रहे हैं खेलने क्योंकि अब ये देखिए अपने गाड़ी में तैयार हो गई है। अब जाएंगे ग्राउंड, फिर आपको दिखाते हैं, अगर आए होंगे सब कोई तो खेलेंगे मैच, नहीं तो फिर कहीं घूमने जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब कोई पहुंच गए हैं, देखिए ये बल्लेबाज तैयार, दो टीमों में यहाँ बांटे गए हैं, तो जिस टीम में हम हैं वो टीम का बैटिंग चालू है। तो अमित स्ट्राइक के रूप में आया है और एक नॉन स्ट्राइक पे एक और लड़का है। तो देखिए मैच यहाँ से स्टार्ट। ये सिर्फ अपने गांव में ही छक्का मार पाते हैं, बाकी नहीं। हमारे टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन, बल्लेबाजी करने आए अमित, एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन और इसी के साथ कैच उठा है। देखना खतरा हो सकता है लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि वहां फील्डर कमजोर लगे हुए हैं। ये धाकड़ बैट्समैन ओपनर के रूप में आए हैं। अच्छा छक्का दिखा देंगे, चलो ठीक है, बैटिंग सही करना गुरु। अरे ये मारा, अभी दूसरी ओवर प्रगति 14 रन। अब नन्हे कट के बैटर, अब ये सिक्स लगाएंगे, ये लगा चौका, फील्डर दौड़ रहे अभी बेचारा। ये देखिए मैच चल रहा है अभी मुंबई इंडियंस का, तो अपना फेवरेट टीम है तो इसीलिए देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं, देखिए दीपक भाई के तिलक उत्सव में सुनील नमकीन चाबने आया है, खाना खाने आया है। ये देखो दीपक को घोराओ इधर थोड़ी, तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं घर। और ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।